आपने उसे देखा? वो यही पे थी अभी। वो औरत यहीं पे थी, उसने सारी चीजें तोड़ दी। नीचे स्टडी में, वो सीढ़ियों में भी थी, और वो मेरे पीछे तक कमरे में आई। उसने कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया था। आपने देखा ना उसे? प्लीज संभल, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, हर चीज अपनी जगह पर। अब हम किधर जाएगा बेगम साहब? हम तो इस शहर में किसी को जानता भी नहीं है। अगर साहब जी हमें नौकरी से नहीं निकालता ना, तो हम सारी जिंदगी आपका खिदमत करता बेगम साहब। पर साहब जी तो जैसे भूत प्रेत को मानता ही नहीं है, लेकिन वो होता है बेगम साहब। जैसे हम होता है ना, वो भी होता है। वो औरत वो सिर्फ मुझे क्यों दिखाई दी? वो अमान को क्यों नहीं नजर आई? बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल सामने, लेकिन अमान को नजर नहीं आई वो। ये जो भूत प्रेत होता है ना, ये शैतान का चेला होता है, उसी की तरह धोखेबाज। जिसको सताना चाहता है बस उसी को नजर आता है, और किसी को नहीं। पर आपने बहुत अच्छा किया जो साहब जी को बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि वो मुनिया को भी नजर आता है। क्योंकि फिर तो जैसे साहब जी आपको पागल समझता है, इसको भी समझ जाता। हम देख के आए बेगम साहब। नहीं, तुम हमें अकेला छोड़ के ना जाओ। हमें जाना तो पड़ेगा ना बेगम साहब। साहब जी ने हमें नौकरी से जो निकाल दिया है। तुम लगी ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AIRY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.